मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है जो हम एक्सपोर्ट कर सके, एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टिंग, कैसे बायर को उठाया जाएगा, कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे एक्सपोर्ट करके, एडवांस कैसे लिया जाएगा उसे, सब लोग कुछ ना कुछ मुनाफा कमाते होंगे तभी वो एक्सपोर्ट बिजनेस में है। नमस्कार दोस्तों, आप इतने वीडियो YouTube पे देख के आपको भी लगा हो कि आप एक्सपोर्ट कर ही लेते हैं, कोई आप लोगों को सीक्रेट बाय की लिस्ट दे रहा है तो कोई आप लोगों को सीक्रेट प्रोडक्ट बता रहा है, बट एक्सपोर्ट ही क्यों, आप इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। इंडिया की GDP ग्रो कर रही है, पर कैपिटल GDP ग्रो कर रही है, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, ऐसे में आप कोई वायरल इनोवेटिव प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में ई कॉमर्स में बेच के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और कई लोगों ने कमाया भी है। तो आखिर आप लोगों को करना क्या है, आपको इंपोर्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई रिटायर्ड प्रोफेशनल है, कोई पार्ट टाइम वर्कर है या फुल टाइम वर्कर है और चाहते हैं कि अपना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है बट कंफ्यूज है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और वो पॉइंट्स देखने के बाद आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा और फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता क्या है? देखिए, इंपोर्ट होता है जब भी आप कोई बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं और इंडिया में बेचते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है, और एक्सपोर्ट होता है जब आप कोई प्रोडक्ट इंडिया से प्रोक्योर करते हैं और बाहर किसी देश में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट आपका सी, एयर और लैंड तीनों से होता है, एक्सपोर्ट भी आपका सी, एयर और लैंड तीनों से होता है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट। आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को बेचना क्या है। देखिए, आप लोगों के पास अगर प्रोडक्ट नहीं है ना, इंपोर्ट के केस में प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप इंडिया में अमेजोन है, अमेजोन में मूवर्स एंड शेकर्स पेज में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पे कौन से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और उनमें से कौन से प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्टेड है, तो वैसा ही कुछ आप इंपोर्ट करके बेच सकते हैं। आप लोग अलीबाबा में जा सकते हैं, वहां पे भी उन लोगों का डेडिकेटेड सेक्शन होता है न्यू प्रोडक्ट्स का, वायरल प्रोडक्ट्स का, वहां से भी आप लोग कोई प्रोडक्ट इंडिया में लाके सेल कर सकते हैं। आप लोग टिकटॉक भी एक्सेस कर सकते हैं VPN का यूज करके और देख सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट में कौन से प्रोडक्ट इस टाइम पे सेल हो रहे हैं, वही सेम प्रोडक्ट आप चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेच सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट US में चलते हैं वही प्रोडक्ट इंडिया में भी चलते हैं ई कॉमर्स पे। वहीं अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी आप लोगों को उसमें टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ता है, तो इसलिए प्रोडक्ट के मामले में इंपोर्ट में थोड़ा सा आसान हो जाता है और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, विच इज इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंपोर्ट के मामले में अगर आप लोगों को कमर्शियल लेवल पे इंपोर्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 50-60 हज़ार प्रोडक्ट तो चाहिए, क्योंकि आप एटलीस्ट 100-150 किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे, फिर उसको ई कॉमर्स पे बेचोगे, तो ये पूरा जो साइकिल है इसमें आपको अराउंड 50-60-70 हज़ार रुपये तो खर्च हो ही जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक्सपोर्ट में बात करूं, एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत कम लगता है, क्योंकि आप लोगों को बस एक प्रोडक्ट ढूंढना है और ढूंढना है कि वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन है। आप लोग उन लोगों के साथ टाइप कर लो, कोई एग्रीमेंट बना लो और अपना एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बनाओ, वेबसाइट बनाओ जो 7-8 हज़ार रुपये में बन जाता है, फिर अपना बायर्स को रीच आउट करना शुरू करो। अगर आप लोगों को कोई ऑर्डर आता है, एडवांस लो, यहाँ पे सप्लायर को पे करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, बीच में अपना कट रख लो। तो इन्वेस्टमेंट जो है इंपोर्ट में ज़्यादा लगता है, एक्सपोर्ट में कम लगता है। तीसरा पॉइंट है टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ कि दोनों चीज़ों को मेटेरियलाइज होने में, यानी एक इंपोर्ट ऑर्डर को, इंपोर्ट ऑर्डर का पूरा साइकिल कंप्लीट होने में और एक्सपोर्ट ऑर्डर का पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो इंपोर्ट में टाइम आपका बहुत ज़्यादा कम लगता है। अगर आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चुल है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना ही है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो आप इंपोर्ट करिए, ई कॉमर्स पे बेच दीजिए, पूरा का पूरा साइकिल जो है आपका 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इंपोर्ट का मतलब वो खरीदना, आप लोगों के पास सप्लायर रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, पैसे भेजने हैं, मंगवाने हैं, ई कॉमर्स पे बेच देना, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट 20-25 दिन में। वहीं दूसरी तरफ मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट में आप बेच रहे हैं, आप कुछ खरीद नहीं रहे, आप लोगों को कोई खरीदने वाला चाहिए, तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया बट उसका ऑर्डर 1 महीने में भी आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, साल भर भी लग सकता है। तो एक्सपोर्ट में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इंपोर्ट में टाइम बहुत कम लगता है पूरा साइकिल कंप्लीट होने में। चौथा पॉइंट है रिस्क। रिस्क को देखो, इंपोर्ट में भी है और एक्सपोर्ट में भी है। इंपोर्ट करते टाइम कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है वो फेक निकल गया, आपका जो माल है वो डैमेज हो गया, क्वालिटी सैंपल कुछ भेजा, क्वालिटी कुछ और भेज दिया, तो यहाँ पे इंपोर्ट में भी रिस्क आ जाता है। एक्सपोर्ट में आपने यहाँ पे जो आपका बायर है वो हो सकता है कि फेक है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट भेजा, उसने वहाँ से पेमेंट ही नहीं करी, या हो सकता है कि उसने एडवांस पेमेंट करी बाकी पेमेंट नहीं करी, तो रिस्क तो देखो दोनों में ही है, कभी कभी सप्लायर भी फेक निकल सकता है, कभी कभी आपका बायर भी फेक निकल सकता है। बट रिस्क को कम करना दोनों में ही बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज है तो आप दोनों ही सिनेरियो में रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट के केस में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं
तो आप अलीबाबा से अगर शुरू में इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड एश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप लोगों का इंपोर्ट है वो 99% सेफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप खुद भी जा सकते हैं चाइना में, वहाँ पे जाकर सामने सामने पेमेंट करिए, सप्लायर को वेरीफाई कर लीजिए, या फिर जब आपने कोई अननोन सप्लायर को ऑर्डर दिया है तो टाइम टू टाइम उनसे अपडेट लेते रहिए, वीडियो कॉल करते रहिए, फैक्ट्रीज का टूर करते रहिए वीडियो कॉल पे, तो आप लोगों का रिस्क बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज है। अगर आप लोगों को इंपोर्ट के बारे में सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया है मेरे चैनल पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा मैंने सीरीज कवर किया है। और ये जो सीरीज है एक्सपोर्ट का, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, मैं आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर। वहीं एक्सपोर्ट में भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपना जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट का जो बायर है आपका, उसको आप एम्बेसी से थोड़ा वेरीफाई करवा सकते हैं, आप ECGC का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ECGC अगर मना कर देता है उस एक्सपोर्टर के लिए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो चीजों को, रिस्क को आप बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस ट्रेड के बारे में नॉलेज है। अब पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रॉफिट, किसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट चाहे जो भी हो आप इंडियन रुपीस में उस प्रॉफिट को अर्न करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉफिट थोड़ा कम भी होगा बट आप लोगों को डॉलर में पेमेंट मिलेगी, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है। अगर आप 100% प्रॉफिट इंडियन रुपीस में कमा रहे हैं और 50% प्रॉफिट डॉलर में कमा रहे हैं तो वो इंडियन रुपीस का बहुत ज्यादा हो जाता है, इंडियन रुपीज में प्रॉफिट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा डॉलर के मुकाबले। तो अगर आप लोगों को डॉलर में प्रॉफिट कमाना है, डॉलर में बिजनेस करना है, डॉलर में इनकम करना है, डॉलर में रेवेन्यू करना है, तो एक्सपोर्ट ही करना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोगों को मैं एक बोनस पॉइंट भी देना चाहूंगा विच इज गवर्नमेंट इंसेंटिव। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट पैसा देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इंसेंटिव के रूप में, जैसे कि आप लोगों को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, रॉट टेप मिलता है, और भी कई तरह के स्कीम्स हैं जिसके अंडर में आप लोगों को कई सारा रिबेट मिल जाता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लाइंस हैवी होती हैं चीजें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा चाहिए होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा पता होने चाहिए आप लोगों को। एक भी छोटी सी गलती हुई डॉक्यूमेंटेशन में, कोई भी गलती हुआ तो पिछला का जितना आपने प्रॉफिट बनाया था वो सारा का सारा जीरो हो जाता है एक ही शिपमेंट के अंदर। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, एंड आई होप कि ये पॉइंट्स देखने के बाद एंड समझने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एंड आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए या एक्सपोर्ट। मैं इसी तरह के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूं जहां पे मैं जीरो से लेकर वन तक सब कुछ कवर करने वाला हूं कि कैसे प्रोडक्ट ढूंढना है, कैसे मार्केट रिसर्च करना है, कैसे बायर मिलेगा, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, लॉजिस्टिक्स, CHA, फ्रेट फॉरवर्डर, सारी चीजें मैं आगे कवर करने वाला हूं। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखना है, टेक्निकली फैक्ट डेटा के साथ वाले वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने इंपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बना रखा है, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो सीरीज देख सकते हो। एक्सपोर्ट देखना है, एक्सपोर्ट के बारे में सीखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल फैक्ट रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।